सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, महाभेषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म देशनाओं के दौरान तीन प्रकार के घोड़े बताए हैं। पहले प्रकार का ऐसा घोड़ा तथागत भगवान बुद्ध बताते हैं, उसे मारो चाहे जितना मारो लेकिन वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता। दूसरे तरह का घोड़ा तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है कि उसे एक डंडा मारो, दो मारो, तीन मारो, चार मारो, पांच मारो, धीरे धीरे जब उसे महसूस होता है कि मेरी पीठ पर लग रहा है तो वो चलने लगता है। तीसरा घोड़ा तथागत भगवान बुद्ध ने बताया कि इस घोड़े को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, मालिक जिधर नजर कर देता है उधर ही चलने लगता है। तीसरे तरह का घोड़ा जो बहुत उम्दा घोड़ा होता है। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार तीन तरह के घोड़े पाए जाते हैं उसी तरह से समाज में तीन तरह के मनुष्य भी पाए जाते हैं। एक पहले तरह का मनुष्य होता है, उसे चाहे जितना अच्छा समझाइए, चाहे जितना उसे बेहतर बताइए, उसके समझ में नहीं आता। दूसरा व्यक्ति होता है जिसे बहुत समझाना पड़ता है तब जाकर के वो समझ पाता है। और तीसरे प्रकार का जो मनुष्य होता है उसे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैं चाहता हूँ कि देश भारत के सभी बहुजन समाज के लोग तीसरे प्रकार के मनुष्य बने। आपको ज़्यादा न समझाया जाए और आप बहुत ज़्यादा समझें, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा समय लगाने का नहीं रह गया है। ये समय आपके लिए परिवर्तन का है, ये समय आपके लिए निर्णय का है। अगर आपने अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए अगर अभी कोई निर्णय नहीं लिया तो जान लीजिएगा कि आप और आपका पूरा समाज, आपका पूरा परिवार गुलामी की तरफ जा रहा है। मैं इशारा कर रहा हूँ आपको, जाग जाइए, समझ जाइए, होश में आ जाइए और दोस्त दुश्मन की पहचान कर लीजिए और अपने हित के लिए लग जाइए। बुद्ध के आंदोलन को, महापुरुषों के आंदोलन को, बाबा साहब के आंदोलन को अपने कंधों पर उठा करके आगे बढ़ाने का काम कर दीजिए। और नंबर तीन के घोड़े और नंबर तीन के जो पुरुष भगवान बुद्ध ने बताए हैं बनने का काम करिए। मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।